ऑब्लिक सीवी ठीक है, रेज्यूम ऑब्लिक सीवी ठीक है, आपके ग्रुपों में भी आ जाएगा ये ठीक है, बाकी लिख ले नोट्स बनाने के लिए। आप सभी को यहाँ पे जाने पर मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल पॉइंट आपके रेज्यूम और सीवी कैसे आपको बनानी है, कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी को पहली बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को रेज्यूम नहीं आपको बनाना है सीवी ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेज्यूम आईटी या किसी भी बड़े सेक्टर में जॉब करने के लिए नहीं है, रेज्यूम मिड लेवल इंडस्ट्रीज में ठीक है, छोटे मोटे दुकानों में जाना है, स्कूल कॉलेज में जाना है, इट्स ओके, पर आपको सीवीज बनाना है अगर आपको किसी बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी में या किसी बड़ी जगह जाना है। सीवी का मतलब यहाँ पे क्या होता है ठीक है, ये तो सुना ही होगा। और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीवी में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, मैं आपको ये पहले क्लियर बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, एक हम लोग के वो देख लेते प्रोसेस देख लेते सीवी का, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सीवी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना डिटेल्स तो डालना है ठीक है, योर डिटेल्स प्लस आपका कॉन्टैक्ट, जैसे आपकी ईमेल आईडी हो, सभी ध्यान रखिएगा सीवी के लिए ईमेल आईडी सबकी बनी होनी चाहिए ठीक है, सबका कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर चालू वाला, कई लोग बंद वाले दे देते हैं ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है नहीं दे दिया, नंबर बंद भरा है दे दिया, ईमेल आईडी कभी ऑपरेटिव ही नहीं किया या कुछ भी मन में आया दे दिया, आपको ये तीनों चालू हालत में देने हैं ठीक है, प्लस आपका एड्रेस भी आपको शो करे कहाँ के आप रहने वाले हैं। तो आपका डिटेल्स में ध्यान रखिएगा, ये आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग, फॉन्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, तो एक आप अपने गूगल से ये सर्च कर सकते हैं कि आपका डिटेल किस फॉन्ट में किस साइज में होना चाहिए, मिनिमम आप थोड़ा देख लीजिएगा गूगल से, क्योंकि ध्यान रखना कि आपका नाम डिस्प्ले होना अच्छा चाहिए। दूसरा ध्यान रखिएगा सब आपके एक्सपीरियंस पे बहुत जोर होता है सीवी में ठीक है, जितने भी ध्यान रखना आपने एक्सपीरियंस लिए हुए हैं उनके कंपनी का नाम, सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है, यानी आपने जैसे कंपनी का एक नाम लिखा, और उसके बाद डिटेल्स ऑफ योर वर्क, आपने उस कंपनी में क्या किया, 3 से 4 लाइन में लिखिए, समझ में आ रहा है, कंपनी नेम और डिटेल्स ऑफ योर वर्क। और फ्रेशर है तो फ्रेशर भी ये कर सकता है कि अगर आपने कोई और सेक्टर में भी काम किया तो उसके बाद में थोड़ा डिटेल डालिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक मैटर रखता है। इसके साथ आईटी वालों के लिए जरूरी होता है प्रोजेक्ट्स से, कितने प्रोजेक्ट्स आप बना चुके हैं तो प्रोजेक्ट्स का भी डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिएगा कि आप कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं, कंपनी नेम डिटेल्स ऑफ योर वर्क और क्या प्रोजेक्ट आप उसमें कर रहे थे यूज। इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद नंबर थर्ड आपका होता है एजुकेशन ठीक है, आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है एजुकेशन का जो क्रम होता है सेक्टर्स में वो ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका पीएचडी पहला रहेगा, मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जो टॉप मोस्ट लास्ट एजुकेशन सबसे पहले रहती है, हम तो उल्टा कर देते हैं, फिर पीजी, फिर यूजी, उसके बाद 12th, फिर 10th, आप इस तरीके से बताएंगे ठीक है, उल्टा चलता है इसमें, लास्ट पास डिग्री सबसे पहले, और जो सबसे पहले 10th जो था, जो कई वर्ष पहले हमने किया था आपसे, वो पीछे हो जाएगा, लेटेस्ट हमेशा पहले हो। और ये आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों की एक एक फोटो कॉपी भी अपने पास आपको रखे रहना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा क्रॉस चेक होता है, ओरिजिनल भी अपने पास जरूर रखें, जब इसी इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसका ओरिजिनल भी क्रॉस चेक कर लेते हो कि भाई आप कहीं गलत तो नहीं बोल रहे ठीक है। नंबर चौथा आपको ध्यान रखना है आपके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स जितने हैं सब लिखो, जितने अचीवमेंट अवार्ड्स आपको मिले, जितने सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, जितने आपको जो है सम्मान राशि आपको अगर मिली है, जैसे मान लीजिए भाई किसी ने आपसे खुश हो गया आपको 2000 रुपये, कोई संस्था ने आकर आपको 10000 रुपये का चेक भी देके गए, सर्टिफिकेट नहीं दिए, आप मेंशन जरूर करेंगे 10000 चेक मुझे फर्स्ट डिवीजन आने में और 90% मेरिट होने पर मुझे किसी संस्था के द्वारा 10000 रुपीज़ भी दिए गए ठीक है, अचीवमेंट्स और हाँ हाँ नहीं आप इसमें मेंशन जरूर करें देने वाले दे रहे थे ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाना है अचीवमेंट्स और अवार्ड से कितने भी आपके पास हैं, सबसे पहले तो उनको एक साथ बटोर लो पहले, कईयों के अचीवमेंट अवार्ड पता नहीं काउंट तो नहीं होता, मिले थे कहीं दबके रह गए, आप सबको पहले एक फाइलिंग कर लीजिए, क्या होता है ये एक इम्पैक्ट डालता है, जब आप देखा जाए कि बंदा इतना ज़्यादा अचीवमेंट ले चुका है, इतना अवार्ड है, तो सामने वाला आपको मौका देना चाहिए ठीक है, तो अचीवमेंट अवार्ड्स का बकायदा जाकर इकट्ठा करें, उसको साथ में रिकॉर्ड नहीं है तो एक काम करिए अभी कुछ ऐसा ऐसा करें जिससे उसको अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, जैसे एनजीओ के साथ कुछ काम कर लिया,
सर्टिफिकेट सबको कैसे मिल गए, आपने वॉलंटियर की भूमिका निभाई, जैसे नौदुर्गा आ रही है वॉलंटियर बन जाओ कहीं पे, वॉलंटियर कार्ड टांगो, वॉलंटियर बन के सर्टिफिकेट मिल गया उसको संभाल के रखो, वॉलंटियर नौदुर्गा वॉलंटियर सेवा में थे। दिवाली में हमने ये किया, ठीक है, हमने जो क्या कहते हैं गणेश पूजा में किया, ठीक है, कभी गौरी करके सफाई कर दी, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ एक बार यहाँ पे सभी ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना एनजीओ के तत्वाधान में करना, खुद नहीं। आप जब किसी एनजीओ के साथ काम करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करते हैं कि आपने काम किया, खुद भले कुछ भी करो किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। एनजीओ के तहत इसलिए आपको कहा जाता है कि जबलपुर की जितनी एनजीओ है सभी एनजीओ के साथ थोड़ा सा देखें, उनके साथ हाथ हाथ बटाएं, एक ही सर्टिफिकेट उठाओ सबसे, और पॉजिटिव में प्रोग्राम्स होते हैं, संस्थाओं में प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे जाओ सर्टिफिकेट उठा लो, वहाँ के चलते एनजीओ के, हाँ एनजीओ के सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एनजीओ के सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एनजीओ जो होता है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट मायने रखते हैं कि भाई वहाँ के प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी ने साइन मार दिया, मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा एक हाथ पड़ गया कि चलो इसको काम आता है। फिफ्थ है आपको पॉइंट रहता है अचीवमेंट अवार्ड के बाद, नेक्स्ट है आपको ये ध्यान रखना है फैमिली डिटेल्स, ध्यान रखना सबसे लास्ट में आपको करना है, फैमिली डिटेल्स ऊपर ना करें, ठीक है, पर फैमिली डिटेल्स में भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि इतना फैमिली डिटेल कोई पढ़ता नहीं है, कोई फादर का नाम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उसको उनका ऑक्यूपेशन देख लेंगे, और मदर अगर ऑक्यूपेशन करती तो उनका थोड़ा सा देख लेंगे, वो ऑक्यूपेशन इसलिए देखते जिससे आपको क्रॉस इंटरव्यू में किया जाता है कि पापा तुम्हारे खेती करते हैं तुम आई टी में क्यों आना चाहते हैं, वही क्रॉस चेक करने के लिए देखते कि पापा क्या करते हैं, पापा तुम्हारे अगर बैंक में है रेलवे में है तो तुम कहीं एम एस सी की तैयारी क्यों कर रहे हो, रेलवे बैंक की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल उठता है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना फैमिली डिटेल्स सबसे लास्ट में भेजो, सबसे लास्ट में, किसी को इतना ज़्यादा फैमिली डिटेल्स से मतलब नहीं है। और इसमें ध्यान रखिएगा फैमिली डिटेल्स में कई लोग अपने ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं कास्ट में हिंदू लिखना काफ़ी है, हिंदू में अपने ब्रैकेट में डाल दिए जिस भी कास्ट हो या मुस्लिम हो सिख हो, कई लोग क्या कहते हैं उसके अंदर ओ बी सी एस टी भी लिखते हैं, किसी क्या करना ओ बी सी एस टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कई लोग पता नहीं डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ ठीक है प्लेस ऑफ बर्थ लिख डाला, ठीक है, कुंडली नहीं बनने की प्लेस ऑफ बर्थ भी चलेगा, राशि लिख दी, ठीक है, मेरी राशि, ठीक है, मेरा गण लिख दिया, मेरी नाड़ी लिख दिया, ये इतना ये कई लोग करते हैं, पता नहीं जब बायोडेटा उन्होंने देखते हैं तो ये सब चीज़ देख के हंसी भी आती है, मैंने कहा कि करना क्या था मैरिज बायोडेटा बना रहे होगा, ये नौकरी का बायोडेटा है, तो कई लोग को डिफरेंस नहीं समझ में आता। और ध्यान रखिएगा जब आप बायोडेटा बनवाते हैं तो आप जो साइबर कैफे से बायोडेटा जो लोग बनवाते हैं वो लोग इससे ध्यान रखिएगा साइबर वाले कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, आपको ध्यान रखना एक बार क्रॉस चेक करके ही आप अपना बायोडेटा दूसरे को दे, कई बार उनकी गलती में तुम्हारा जॉब रुक जाती है, भाई उन्होंने पता चला कुछ भी बायोडेटा का प्रिंटआउट निकाल दे दिया, तुमने भी उठाकर सीधा उसको उठाकर सामने ट्रांसफर कर दिया, देख तो लो बायोडेटा क्या है, क्रॉस चेक कई लोग करते नहीं है, बाद में एचआर दिखता बोले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, वजन लिखा हुआ है बाहर, वजन भी चलेगा हाइट भी चली गई, अब वजन हाइट वेट उसको क्या बोलते उसको डाल दिया तुमने कुटे को बता दिया, मतलब हाइट वेट के साथ मैं क्या करूँगा भाई तुम्हारी, कॉम्प्लेक्शन लिखा हूँ मैं फेयर हूँ कि मैं काला हूँ कि मैं एवरेज हूँ, क्या करेगा फेयर कॉम्प्लेक्शन से, ठीक है, हाँ बॉडी स्लिम है जिसे बोल दिया बॉडी स्लिम है बोले तो मैं क्या करूँगा बॉडी स्लिम है, तो एक बार क्रॉस चेक कर ले, ये मैंने देखा ये आज बच्चे को सर बात करो बाहर देखते थे नहीं सीधा उठे ट्रांसफर, अरे देख तो लो बहुत तेज है आपके बच्चे सीधा आया ट्रांसफर पता चला वो बायो तुम्हारे नाम का भी नहीं था किसी और के नाम का था, ठीक है, तो ट्रांसफर वाला। और एट लास्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सिक्स्थ पॉइंट में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पे हॉबी में ध्यान रखना है, एक हॉबी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, लास्ट पॉइंट है सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, हॉबी में कई लोग कहते हैं रीडिंग, कई लोग कहते हैं रीडिंग क्यों वहां पे सब अच्छा अच्छा बोलते हैं रीडिंग एंड कहते हैं फिटनेस लविंग, फिटनेस लव करते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, ये मैं बता रहा हूँ जिम का चेहरा ना देखो दौड़ने को भी लगाइए, ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक वहां पे क्या होता है हम लोग हमेशा हॉबी अपनी अच्छी अच्छी बताते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर हॉबी अच्छी अच्छी बता रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा उसके उसमें भी लोग घुस जाते हैं, जैसे आपने रीडिंग बोला कहते हैं कौन सी किताब पढ़ी थी बताओ कौन सी किताब अभी आप पढ़ रहे हो, विंग्स ऑफ फायर, हाँ एक नाम ठीक है समीर राय, ये नाम कई बार रख के बोल दिया अब्दुल कलाम जी की किताब है, ठीक है विंग्स ऑफ फायर कई लोग बोल रहे कई लोग कहते हैं महात्मा गांधी की किताब पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता चला क्योंकि आपको ध्यान रखना टेक्निकल और एचआर वाला बंदा
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले कभी सुन नहीं रहे। टेक्निकल और एचआर वाला बंदा ज़्यादातर किताब रीड करने वाले बंदे होते हैं, क्या उन लोग क्या थोड़ा सा माइंडेड होते हैं, तो खाली टाइम में वो कह रहे थे किताब रीड करना अच्छे अच्छी वो यूट्यूब सुनना उनको पसंद है। तुमने अगर उनको टेक्नोलॉजी की तो वो कई बार लोग कहते 40वें पेज में बीच का थर्ड लाइन बताना का तुमने ध्यान से पढ़ी होगी, फंस आते कई बार, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े शिक्षाविद टाइप के आते हैं ना इनको किताब पढ़ने का शौक रहता है। ये कहता आपने अगर किसी भी बुक में बोला वो कहीं ना कहीं तुम्हें फंस देंगे उसको। फिर फिटनेस कई लोग अगर फिटनेस लविंग की बात है तो फिटनेस कर तो बोलेगा ठीक है बॉडी देखते तो ऐसा लगता है कि तुम बस खाते हो सोते वाली बॉडी है, या फिर कई लोग अति दुबले हैं। तो ये सब पॉइंट जो है ना ये फिटनेस और लिसनिंग म्यूजिक में भी आपको ध्यान रखना है। अगर म्यूजिक लिसन करते हैं आप भले ही जो भी म्यूजिक कर रहे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें रियलिटी में आपको बोलनी पड़ती। म्यूजिक कैसा आप सुनते हैं जो सुनते हैं सही से आप बता दें, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है। आप कहते हैं कि मैं शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ और बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि इससे शास्त्रीय संगीत कभी सुनने वाली पार्टी है ही नहीं, ये अनिल सिंह की गाड़ी सुनते हैं ठीक है वाले लिसनिंग। हम तो गीता पढ़ने वाले लोग गीता सुनते रहे तो गीता सुनते ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में गीता की जगह सबको सुन लिए ठीक है। फिटनेस तो बताइए आपको शरीर की हालत और रीडिंग, तो इन चारों चीज़ों में थोड़ा बैलेंस्ड आंसर दीजिएगा। यहाँ कई लोग फंसते हॉबी में ठीक है, सही हॉबी बता दो, ज़्यादा ना घुमाओ मत, हॉबी भी कई लोग घुमाते हैं और फंस भी जाते हो तरीके से। सही बताओ सर, मतलब सर मेरा हॉबी ईटिंग है ठीक है, ईटिंग है मैं खाना खाता हूँ, मुझे खाना पसंद है, फूडी हूँ बहुत ज़्यादा ठीक है, फूड लवर हूँ मैं, कौन सा घुना थोड़ी ना फूड लवर हो ना, बोल दो फूड लवर है वो कह के कौन सा डिश पसंद है तुम्हें, डिश का नाम बोला कॉन्फिडेंस के साथ, उससे कहा हाँ लड़का मतलब कॉन्फिडेंस का बोलता सही है फूड लवर हूँ। अटको नहीं किसी चीज़ में, तो जो कर दो बोल दो कॉन्फिडेंस से बोल दो, क्या फेकोलॉजी करोगे नहीं बोल पोगे, आप फूड लवर बोल दो, आप घूमने पसंद करते हो वॉकिंग पसंद करते हो, बोले मुझे घूमना बहुत पसंद है, वीकेंड्स में हमेशा बाहर चला जाता हूँ, कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, मुझे वीकेंड में घूमना बहुत पसंद है, तो मुझे कहाँ कहाँ घूमे तुमने कॉन्फ्रेंस के साथ बोल दिया। हमने बाइक उठा के मैहर तक चले गए थे, बोले बाइक उठा के चले गया, यस सर कितने घंटे में पहुँचे, सर 2 घंटे सूट के चले 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा सीधा डायरेक्ट, हाँ कोई टेंशन नहीं है, बोले गाड़ी लेकिन फंस कहाँ गए, गाड़ी जब बोली जब उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी में गए थे, सर हम गए थे TVS 50 में, TVS वो आते हैं पुरानी वाली TVS उसमें, हाँ उसमें हम मैहर गए थे 2 घंटे में पहुँचे थे 120 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। सामने वाला अच्छा TVS में से स्पीड कब से आने लगी ठीक है, तो देखो वो फंसा ही लेते ना कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तो थोड़ा सोच समझ के ये आपको जवाब देना है ये मतलब ठीक है, ऑफ कर दो।